ज्योतिष शास्त्र के एक ग्रंथ समुद्र शास्त्र के अनुसार शरीर के अंगों का फड़कना शुभ और अशुभ संकेत देता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार इंसान का शरीर बेहद ही संवेदनशील होता है, इसलिए व्यक्ति के साथ जब भी कुछ अच्छा या बुरा होने वाला होता है तो शरीर खुद ही संकेत देने लगता है। हम आपको कुछ ऐसे ही संकेत बताएंगे जो आपको जानने में मदद करेंगे कि कौन से अंग का फड़कना आपके लिए शुभ है और कौन से अंग का फड़कना अशुभ है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले शुभ संकेतों के बारे में। अंगों के फड़कने के शुभ संकेत। किसी व्यक्ति के माथे पर अगर हलचल होती है तो उसे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। वहीं कनपटी के पास फड़कने का मतलब होता है कि धन लाभ होगा। पुरुष के शरीर का दायां भाग फड़कता है तो उसे जल्द ही कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। वहीं महिलाओं का बायां हिस्सा फड़कने में खुशखबरी मिलती है। अगर व्यक्ति की दाई आँख फड़कती है तो इस बात का संकेत है कि उसकी सारी इच्छाएँ पूरी होने वाली हैं, और बाई आँख में हलचल अच्छी खबर के मिलने के संकेत होते हैं। व्यक्ति के दोनों गाल एक साथ फड़कने पर धन लाभ की संभावनाएं बढ़ती हैं। किसी इंसान के होठ फड़कना उसके जीवन में नए दोस्त के आने के संकेत हैं। व्यक्ति का दायां कंधा फड़कता है तो यह अत्यधिक धन लाभ होने के संकेत है। वहीं बाएं कंधे के फड़कने का संबंध जल्द ही मिलने वाली सफलता से होता है। अगर आपकी बाई कोहनी में फड़कन होती है तो यह बताता है कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा और ओहदा बढ़ने वाला है। व्यक्ति की बाई जांघ को फड़कने से उसे धन लाभ होता है। गले का फड़कना भी एक अच्छा संकेत माना जाता है, क्योंकि यह आपके लिए खुशहाली, सम्मान और आराम लाने वाला होता है। सिर के मध्य भाग फड़कने से धन की प्राप्ति होती है और परेशानियों से मुक्ति भी मिलती है। अगर आपको अपनी भौहों के बीच हलचल महसूस होती है तो यह निकट भविष्य में आपको सुखदायक और खुशहाल जीवन मिलने वाला है। स्त्री की बाई आँख चारों ओर से फड़कने लगे तो विवाह के योग बनते हैं। किसी व्यक्ति की नाक फड़फड़ाती हो तो उसके व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। यदि व्यक्ति की तालू फड़के तो उसे धन की प्राप्ति होती है। किसी व्यक्ति के हाथ की हथेली में फड़फड़ाहट हो तो यह शुभ होता है और उसे आने वाले समय में सुख संपदा की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे अंगों के फड़कने के अशुभ संकेत के बारे में। यदि किसी पुरुष के शरीर का बायां भाग फड़कता है तो भविष्य में उसे कोई दुखद घटना झेलनी पड़ सकती है, जबकि महिलाओं के दाहिने हिस्से फड़कने पर बुरी खबर सुनाई दे सकती है। व्यक्ति के दोनों कंधे एक साथ फड़कते हैं तो यह किसी के साथ आपकी बड़ी लड़ाई को दर्शाता है। अगर आपकी हथेली में हलचल होती है तो यह इस बात की ओर इशारा करता है कि आप जल्द ही किसी बड़ी समस्या से घिरने वाले हैं। अगर आपकी दाहिनी कोहनी फड़कती है तो यह भविष्य में किसी के साथ बड़ी लड़ाई होने के संकेत देता है। पीठ के फड़कने का अर्थ है कि आपको बहुत बड़ी समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। दाहिनी जांघ फड़कती है तो इस बात को दर्शाता है कि आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। स्त्री की बाई आँख का फड़कना वियोग का लक्षण होता है। यदि नाक की जड़ें फड़के तो लड़ाई झगड़ा होने की संभावना रहती है। यदि बायां तालू फड़के तो व्यक्ति को जेल यात्रा करनी पड़ सकती है। यदि किसी व्यक्ति की गर्दन बाई तरफ से फड़कती है तो धन हानि होने की आशंका दर्शाता है। कमर की दाहिनी ओर की फड़फड़ाहट किसी विपदा की संकेत देती है। हथेली के किसी कोने में फड़फड़ाहट हो तो निकट भविष्य में व्यक्ति किसी विपदा में फंस सकता है। किसी व्यक्ति के दाहिने हाथ का अंगूठा फड़फड़ाए तो उसकी अभिलाषा पूर्ति में विलंब होता है। व्यक्ति की दाहिने हाथ की कोहनी का फड़फड़ाना किसी झगड़े का संकेत देती है। छाती के दाहिनी ओर फड़फड़ाहट हो तो विपदा के संकेत हैं। बाईं ओर फड़फड़ाहट हो तो जीवन में संघर्ष और छाती में फड़फड़ाहट होना मित्र से मिलने की सूचना को दर्शाता है।